अनंत विजय, क्या वाकई इंडिया गठबंधन आम आदमी पार्टी में अब एक नया जोश नहीं आएगा? इसको जीत के तौर पर वो अगले 21 दिनों में पेश नहीं करेंगे कि देखिए अरविंद केजरीवाल चुनाव से ठीक पहले जेल में डाले गए और कोर्ट ने उन्हें बाहर निकाल दिया? मुझे लगता है बनाने का प्रयास तो होगा, मानक यह नैरेटिव बनाने का प्रयास INDIA गठबंधन की तरफ से होगा और होना भी चाहिए। ये राजनीति है, इसमें सब लोग अपना नैरेटिव बनाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से ये अंतरिम जमानत मिला है उससे ये नैरेटिव कितना बन पाएगा इसमें मुझे थोड़ा संदेह है। देखते हैं जनता किस प्रकार से इसको रिसीव करती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया है, अदालत ने फैसला दिया है, अदालत का निर्णय हमें मानना चाहिए, लोकतंत्र है, कहीं ना कहीं जाकर हमें एक जगह तो रुकना पड़ेगा। और आज उच्चतम न्यायालय ने केस के मेरिट को देखकर ही उन पर निर्णय लिया होगा, ये मैं मानता हूं। और इसके बाद जो अब राजनीति शुरू होगी, चल हो जा शुरू। हर पल मनाओ केसरी त्योहार, विमल बोलो जुबान केसरी। अब केजरीवाल जी क्या करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। दिल्ली की सीटों पर तो पहले भी केजरीवाल जी 2014 में भी थे, प्रचंड बहुमत से 15 में दिल्ली आए थे, 67 सीटें अभूतपूर्व जीत लेकर आए थे, उसके बाद 19 में भी सीट नहीं मिल पाई उनको। तो दिल्ली की जनता लोकसभा और विधानसभा की सीटों में बड़ा अंतर कर लेती है। दिल्ली की प्रबुद्ध जनता ये समझती है कि लोकसभा में किसको देना। अब तक का पिछले 3-4 चुनावों का इतिहास यही बता रहा है कि 14 में नरेंद्र मोदी जीते और 15 में हम केजरीवाल जी को अभूतपूर्व वोटिंग, फिर उसके बाद 19 में फिर 7 सीटें बीजेपी को दे दी, फिर केजरीवाल जी को जितवा दिया। तो ये जो चल रहा है दिल्ली में, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव पर प्रचार आदि बहुत धुआंधार प्रचंड जो भी प्रचार हो जाए, मतदाताओं ने अपना मन बना लिया होगा और मतदाता का मन इतनी मतलब इन सारी घटनाओं से या नैरेटिव से, क्योंकि नैरेटिव को बहुत समय चाहिए होता नीचे तक परकोलेट होने में, और दिल्ली के चुनाव में बहुत अधिक दिन बचे नहीं है। अगर 20-21 दिन में ही सारा चुनाव हो जाता और नैरेटिव बन के और जनता पर उसका असर हो जाता तो 5 साल के निरंतरता की आवश्यकता नेताओं को होती नहीं। वो जैसे पहले होता था कि लोग कहते भी थे कि नेता कहाँ है, गायब है, एक चुटकुला भी चला करता था कि चुनाव आ गया क्या, एक शेरो शायरी भी कुछ है कि देखो नेता आए हैं, चुनावी मौसम है क्या। तो लेकिन अब जनता इतनी जागरूक हो चुकी है, मुझे लगता है कि वो अपना समझती है कि देश हित में उसे क्या करना है, राष्ट्र हित में उसे किस मत पर जाना है और स्थानीय मुद्दों पर किस मत पर जाना है। तो केजरीवाल जी का बहुत असर इस चुनाव में होगा, ये आने वाले दिनों में अनफोल्ड होगा कि जनता उनकी रिहाई को किस प्रकार से देखती है, देखती भी है या एक सामान्य घटना की तरह देखती है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट का पूरा फुल ऑर्डर अपलोड होने में थोड़ा समय लगेगा। मुझे लगता है कि फुल ऑर्डर में कितनी बंदिशें उन पर लगाई गई हैं, जैसे उनको चुनाव में तो केस पर बोलने का आ गया कि भाई वो अपने केस पर धुआंधार बोल सकते हैं, जो मर्जी हो वो बोल सकते हैं, लेकिन बाकी चीजों का भी एक काउंटर नैरेटिव बनाने का प्रयास होगा कि ये कैसा मुख्यमंत्री है जो अपने कार्यालय नहीं जा सकता, ये कैसा मुख्यमंत्री है जो अपने फाइल पे साइन नहीं कर सकता, ये कैसा मुख्यमंत्री है जो 20 दिन बाद इनको सरेंडर करना पड़ेगा। तो नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव दोनों बनेगा, चुनाव दिलचस्प मतलब चुनावी परिदृश्य दिलचस्प होगा, परिणाम पर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा ये तो 4 जून को पता चलेगा।